मोदी राज में भारत का भौकाल पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। हर देश अब हर मुद्दे पर भारत की राय जानना चाहता है और भारत की तरफ मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं। चाहे अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद वहां के लोगों को खाना देना हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की दखलंदाजी का मामला हो, हर जगह पीएम मोदी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसकी वजह से भारत का कद दुनिया में बड़ा हुआ और दुनिया के तमाम देश भारत के सामने नतमस्तक हुए। इसी कड़ी में रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने पर लगा हुआ है। दरअसल रूस भारत के उस फैसले से काफी खुश है जिसमें उसने G7 देशों की तरफ से तेल की तय कीमत का विरोध किया, जिसके बाद रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर के साथ मुलाकात की और एक बयान जारी कर फैसले पर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि यूक्रेन के साथ जारी जंग के बाद भी भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा। साथ ही भारत ने दुनिया को बता दिया कि जरूरत के हिसाब से जो भी तेल सही दाम पर देगा, भारत उसी से तेल खरीदेगा। किसी भी देश के दबाव में भारत महंगा तेल किसी से खरीदने वाला नहीं है। भारत की इसी बात से रूस बेहद खुश नजर आ रहा है, इसीलिए रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, उप प्रधानमंत्री ने भारत के फैसले का स्वागत किया है कि उसने G7 देशों और उनके साथियों की तरफ से 5 दिसंबर को रूस के तेल पर तय की गई कीमत का समर्थन नहीं किया। भारत को निर्यात होने वाले तेल में 16.35 लाख टन का इजाफा इसी साल के पहले 8 महीनों में हुआ। अब रूस की तरफ से जारी इसी बयान से आप अंदाजा लगा लीजिए भारत किस तरह से दुनिया के सामने अपनी छवि बना चुका है। वहीं रूस की ये बातें दर्शाती हैं कि भारत अब किसी के भरोसे और इशारे पर नहीं टिका हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दुनिया में अपना भौकाल बुलंद कर रहे हैं उसका भी फायदा भारत को मिल रहा है। फिलहाल सुनिए किस तरीके से पीएम मोदी ने पुतिन से सीधे और साफ शब्दों में कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इससे प्रभावित हो रहा है। विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलेटरल संबंध की भी बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूअल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। और एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है।